देख रहे हैं ई ट्रांसमिशन और मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं और इतने सारे खूबसूरत और खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। थैंक यू। और रश और खुश मतलब खुशियों की बात ना हो ये कैसे हो सकता है? आसमा आप बताएं ईद कैसे भाई अम्मियों की ईद बेचारियों के खाने पकाने में गुजर जाती है। ना करें, मैं वैसे ऐसे ही तैयार होकर खाना पकाती हूँ। सीरियसली? हाँ, ऐसे ही सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाती हूँ और किचन में घुस जाती हूँ। किस कमबख्त का दिल करता है इतनी खूबसूरत हसीन को खातून को इतना तैयार होके किचन में जाने देने की? जो बच्चे हैं ना उनको यही आदत है। अच्छा। हाँ, वो आधी चांद रात में भी इस तरह करते हैं। आधी रात को मैं बाजार में थी तो अचानक फोन आया मेरे हस्बैंड का कि हमने तो कढ़ाई खानी खाना वाना खिलाया हुआ था। अच्छा, खाना खाने के बाद 3 बजे रात को फिर मैं आई, कोई चिकन लेने गया, कोई कुछ पीने आके बनाया खिलाया। फिर मैंने ये भी कहा, वीडियो भी बनाई और मैंने कहा कोई ना करे, ये मैं कर रही हूँ लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कोई ना करे, इतना भी फ्री नहीं करना चाहिए। सही बात है। अमानत, आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद ईद देने से शुरू होती है, मिलती तो अब है नहीं। अच्छा, तो बचपन तो आप छोटे हो, आपको मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे से छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो बड़े वाले आपको ईद नहीं देते? वो क्या ईद होती है, कम मिलती है, ज्यादा देनी पड़ती है। वो दिन अच्छे थे जब ईद ज्यादा मिलती थी और देनी नहीं पड़ती, देनी नहीं पड़ती थी। अच्छा, ये बताएं अमानत, कभी किचन में जाने का इत्तेफाक हुआ है? जी, मैं जाता हूं। सीरियसली? आई लव टू कुक। क्या वो अलग बात है, मुझे आती नहीं है। तो फिर क्या क्या खराब किया आपने? अच्छा, पकाता मैं नहीं ज्यादा चीजें। अच्छा, वो तो ऑमलेट वगैरह ही है बस। लेकिन मुझे चटपटी चीजों का बड़ा शौक है, लाइक मैं 7 से 8 किस्म की चटनियाँ बना लेता हूँ। चटनियाँ मतलब जैसे पुदीने की? अच्छा। अनारदाना। वाह। और मैंगो चटनी, वो जो चस्के लेने होते हैं ना रोटी के साथ। क्या बात है, वेरी गुड। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। भूखे नहीं मर सकते। फिर लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनाता हूँ। बात ये की चटनी रह जाती है हमेशा घरों में ना खाने में। डिनर बन गया, सब हो गया, चटनी और सैलड पे आके ना ये बड़ी अच्छी। और जो मैं बनाता हूँ वो ऐसी चटनियाँ हैं, लोग कहते हैं यार सालन की जरूरत नहीं, आप वो रोटी पकड़े और चटनी के साथ। आपको चाहिए था कि आप लेके आते सैंपल के तौर पे, हम भी तो चखते जरा। नेक्स्ट टाइम लेंगे। चलो बेटा, ये तो भूखे भूखा नहीं मरेगा। साइड बिजनेस के तौर पर चटनी कारोबार चलेगा। बिल्कुल, अमानत की जो है ना चटनियाँ भी मशहूर हो जाएंगी। गाने के साथ साथ चटनी, सुरीली चटनी। अच्छा अरूसा और बिलाल, आप लोग बताएं कि आप लोगों की एक छोटी सी खूबसूरत सी फैमिली है माशाल्लाह आपका, और ये बताएं आप लोगों की ईद कैसे गुजरती है? हमारी ईद स्टार्ट दोपहर को होती है। अच्छा। आधा दिन तो सोकर गुजरती है, जो ऑलमोस्ट शोबिज वालों का यही हाल है। अम्मी खाना पकाती हूं। और हाँ, वैसे खाने बना लेते हैं लेकिन ईद के दिन क्योंकि मेहमानों ने आना होता है तो फिर उस वक्त तो खाने नहीं बना। कुछ और हो जाए, क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ लेकिन मैं वो वाली कुक हूँ जो मोबाइल पर देख कर नमक कितना डालना है तो मिर्च कितनी डालना। मेरी एक्चुअली 2 सास हैं, एक मेरी रियल सास और एक गूगल। आपका सास तो नहीं बंद हो जाता ही रह गया, सास एक हो तो बंद हो जाता है, इतने तो 2 है। कभी हुआ है कि आपने नमक की जगह चीनी डाल दी? नहीं, इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ। 8 साल हो गए शादी को। ये तो बिलाल से पूछा। नहीं, मेरी बेगम बहुत पकाती, मेरा तो बहुत अच्छा पकाती है। मैंने बहुत अच्छा पकाती है, अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत टाइम लगा के माशाल्लाह। आपको पता है शुरू में जब हमारी शादी हुई, बिकॉज वी बोथ वर्क, तो हमने क्या किया कि हमारी रूटीन थी कि शूट से आकर फिर हम मिलके कुकिंग करते थे। मैं प्याज टमाटर सारा चॉप जी, वो शुरू में ही था। यानी अब नहीं होता? अब नहीं। उस बेचारे के एक्सप्रेशंस और बात वही रहेगी, बात वही रहेगी। अच्छे बनना भी तो नहीं होता। अच्छा, तुम प्याज टमाटर आप काट के दिया करते? मैंने प्याज नहीं, प्यार का है। प्यार टमाटर प्यार काट के आप पेश करता था, खिदमत करता था। सारा प्यार काट तो नहीं दिया? मैं जी देखें, मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ, मेरी आखिरी मोहब्बत मेरे बच्चों की माँ। उन्होंने भी खिदमत की थी, उन्होंने भी खिदमत। बीच में कोई मार्जिन? वो मैं आपको फिर बताऊंगा कभी, बातें करेंगे। अब कोई मार्जिन नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? सेम है सरूसा ने जैसे कहा, दोपहर को उठना और उठ के फिर जो एक टास्क होता है ना आपके इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड करने, पहले वो करना है वरना मसले हो जाते हैं। 5 बजे भी होते हैं, टाइम होता है 4। अच्छा, वो हम वैसे एक दिन पहले कर लेते हैं लेकिन पता है इसमें एक और चीज है, वो होता है ना हर दिन की करनी होती है। और वो एक बात है ना कि पहले होता था कि पहले फोन के रिश्ते थे, फोन के इंस्टाग्राम के जरिए सबको बताना है, जैसे सफेद जोड़ा पाया है, जैसे काला जोड़ा पाया है, सारी चीजें।
गल नहीं सुनी, मिसाल है ना खूना च पानी पै गया, लोग एहसास नहीं है। तो मेरे पापा अपना अपने भतीजे को फोन कर रहे हैं, वो उठा नहीं रहा, 8-10 कॉल कीतियां नहीं चुक रहा पापा, एक चुक ली उन्हें, वो तू मेरा फोन नहीं चुक रहा, कहता मामू जी मेरे ना फोन खराब सी, पापा कहते बेटा अजकल वैसे ही फोन च पानी पै गया। आजकल जिंदगी लोगों की फोन से ही बंद के रह गई है। पहले फोन दीवार के साथ बंधे होते थे, अब इंसान फोनों के साथ बंद गया। अनफॉर्चुनेटली अच्छा तो फिर इंस्टाग्राम से आपकी शुरुआत होती है? शुरुआत तो नींद ट्विटर पे खत्म होती है। नहीं नहीं मैं अभी तक वहाँ नहीं, ट्विटर तक का मेरा जो है ना वो नहीं है वो अभी। ट्विटर ब्रिगेड से बहुत डर लगता है? डर तो लगता है जी, हम तो शरीफ लोग हैं, हमें तो सारे सोशल मीडिया से डर लगता है क्योंकि तालियां कम गालियां ज्यादा होती हैं, जिसका जो दिल चाहता है इंस्टाग्राम तक ठीक है। अच्छा तो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लेती, उसके बाद फिर किचन के बाद किचन में जाके खाने वाने का बना होता है, चेक करने जाती हैं कि सही बनाया मामा ने, नहीं सही सब कुछ है, बनाया तो सही होगा, खाना भी तो होता है ना, फिर खाना के बाद चखना भी बहुत बड़ा काम है, फिर बाकी सारा टाइम यही करना होता है, बिल्कुल खाने खाने होते हैं। तो आप ये बताएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मैं पिछले 3-4 महीने से तो मैं इतना काम नहीं कर रही हूँ, लाहौर में रहना चाह रही थी घर में, दिल नहीं कर रहा था वो, देखा ना हाँ मैं तो फिर मैंने लाहौर में 2 किए, कलंदर, 1 ट्रॉट, लाहौर में ही वो थे तो मैंने शुक्र किया और कराची ज़्यादा जाना नहीं हुआ, और अभी इसके बाद करूँगी कराची में। अभी मैं लंदन गई भी थी एक फंड रेज के लिए, वो भी टाइम गुजर गया चलो, लेकिन अभी मैं रेस्ट पे हूँ, ज़रा अपना कपड़ों का काम देख रही हूँ। अच्छा ये बताएं पापा के कपड़ों के बारे में, तो आप पहले हमें पता है आपका ज़ौक बहुत खूबसूरत मतलब रहा है, आपने हमेशा ही बहुत शानदार कपड़े पहने हैं, लेकिन जब आप इस उसमें लॉन्च हुई हैं वो बड़े शानदार कपड़े हैं आपके, इसलिए क्योंकि मुझे कपड़े बनाने का बहुत शौक है, ये सब ये जानते हैं, ये आपने मेरा तारुफ बहुत अच्छा कराया, लेकिन एक बात भूल गई आपको शायद पता नहीं, मैं माजरत करती हूँ पहले कि मैंने अपने जो कम बैक किया था वो A+ से ही किया था। अच्छा, अच्छा। और ये समझे कि मेरा मैका है। अरे वाह। और यहाँ से मोहब्बत कुछ और तरह की, और सबसे है सारे ये मेरे बच्चे हैं, मेकअप आर्टिस्ट असगर है, और ये छोटे छोटे असिस्टेंट हैं, नईम जो इस ड्राम इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वो भी मेरे कुलीग हैं, हम टेबल हमारी सबकी साथ साथ होती थी। नहीं तो आपके हम उम्र भी है। ये बात किसको लगाई आप चाहते हैं? वो मुझे छोटा कह रहा है ना। Exactly, she got my point. और आपकी तस्वीर की जगह अखबार का टुकड़ा है। और मैं ये इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है A+ का, क्योंकि लाहौर का एक वाइज चैनल है जिन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर वजाहत हुसैन यहाँ से गए हैं, अपना और भी साइम जो है साइम शेख वो भी यहाँ से गए हैं, और बड़ी बात ये है कि अहमद हाशमी काम को जिंदा रखा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे आपको हमेशा मुझे तो ये इनकरेजमेंट मिली कि मैंने जो करना चाहा मुझे करने दिया गया। वाह। तो आपके अंदर मैं कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो थी नहीं, लेकिन ख्वाहिशात थी ना बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मुझे अपना घर की तरह लगता है हमेशा। क्या बात। और ये मैंने कहा आपको शायद पता नहीं तो मैं ये बता दूं, और इंशाल्लाह जब मैं कभी रिटायर होंगी तो मैं यहीं आऊंगी। अल्लाह ना करे आप कभी भी रिटायर हो, तो हम आपको हमेशा काम करता देखना चाहते हैं। तो कपड़ों की बात ये कि कपड़े तो इनको सारों को पता है कि मेरी अलमारियों में कितने कपड़े हैं, तो वो अब कितने बनाऊं भैया, अब आखिर बड़ी भी तो हो रही हूँ ना, अल्लाह को हिसाब भी देना है, तो सोचा कि जो दिल के ख्वाहिशी डिजाइन जो है वो फिर लोगों को बना के दिए जाए, तो वो मैंने लोगों के लिए बनाए, बड़े